हे गाइस, मैं आई हूँ अपनी ससुराल यानी कि उत्तराखंड की। देखिए, सुबह का टाइम है, 10 बज रहे हैं और मौसम इतना खूबसूरत हो रहा है, इतनी ठंडी है यहाँ पर। इस ठंड को देख के बस मज़ा आ रहा है। बाहर निकलने के वैसे तो मन नहीं हो रहा है, लेकिन क्या है कि आज है हमारी कुलदेवी की पूजा और उसके लिए हमें बहुत ऊपर चढ़ाई चढ़नी है, जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। लेकिन पहले मैंने सोचा आपको अपने इस घर की थोड़ी सी आपको भी दिखाऊँ, अपना घर, अपना ससुराल कि ये कैसा। देखो बच्चे अपने सब अपने अपने दिन की शुरुआत कर चुके हैं और इसी व्लॉग में मैं आपको अपने उत्तरांचल के कुछ अच्छे सिद्ध मंदिर भी दिखाऊंगी। मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और देखिए मेरा घर जैसे एक फार्म हाउस जैसे, और यहाँ पर ये ऑरेंज का पेड़ भी दादी ने लगवाया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा लदा हुआ है और देख के ऐसे लग रहा है कि बस इन्हें तोड़ लो और खा लो फटाफट। पर क्या है कि सर्दी इतनी है कि फ्रूट्स भी खाने को मन नहीं है। और ये बच्चों ने बनाए हैं एक एक जगह का व्लॉग, कहते मम्मा इसे व्लॉग में डालिए आप, ये पत्थरों वाली जो वॉल है ये आपको देखने को यहीं मिलेगी और कहीं भी नहीं। दादी ने मिर्च भी लगवाई हुई है, छोटे छोटे जगह का उन्होंने बहुत अच्छा यूज़ किया हुआ है। मौसम बहुत अच्छा है आज। अब मैं आपको इसी व्लॉग में आगे अपनी डॉटर का 17th बर्थडे भी शेयर करने वाली हूँ। फर्स्ट टाइम हमको मौका मिला है कि हम यहाँ सबके साथ उसका बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे। ये देखिए दादी ने एक डॉग भी अपने पास रखा हुआ है जो हमें देख के इतना खुश हो गया है, एकदम उछलने लग गया है। तो चलिए मैं अब शुरुआत करती हूँ, मेरे साथ चढ़ाई चढ़िए और लीजिए मज़ा इन हसीन वादियों का। पहुँचते हैं कुलदेवी के मंदिर। टकरा चुके हैं हमसे मुसाफिर यूं तो कई, दिल ना लगाया हमने किसी से, किससे सुने हैं यूं तो कई। ऐसे तुम मिले हो जैसे मिल रही हो इत्र से हवा। काफिराना सा है इश्क है यार क्या है। ऐसे तुम मिले हो जैसे मिल रही हो इत्र से हवा। काफिराना सा है इश्क है यार क्या है। खामोशियों में बोली तुम्हारी कुछ इस तरह गूंजती है, कानों से मेरे होते हुए वो दिल का पता ढूंढती है। बेसुआदियों में जैसे मिल रहा हो। हे गाइस, अब मैं आ गई हूँ वापस अपने मायके ससुराल से। और आज का दिन यानी 20th जनवरी हमारे लिए काफ़ी खूबसूरत और मेमोरेबल है क्योंकि आज मेरी डॉटर का 17th बर्थडे है। सुबह के 11 बजे हैं और हम आ गए हैं उत्तरांचल के सिद्धपीठ मंदिर यानी सिद्धबली धाम। ये बजरंगबली का बहुत माना हुआ मंदिर है। हम सब लोग पहले मंदिर दर्शन करेंगे
और इवनिंग में बर्थडे सेलिब्रेशन है, आप प्लीज़ कहीं जाइएगा नहीं भाई, आपको अपनी बेस्ट विशेस भी तो उसे देनी है ना। तो वैसे आप लोग भी कभी उत्तरांचल आएँ तो कोटद्वार के सिद्ध मंदिर में ज़रूर आएँ, यहाँ जो भी सच्चे दिल से मन्नत मांगता है ना उसे सिद्ध बाबा यानी बजरंगबली ज़रूर पूरा करते हैं। तो चलिए मेरे साथ इन खूबसूरत वादियों में, इस मंदिर की खूबसूरती में खो जाइए। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, हा हा हा, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। आओ खो जाए हम, हो जाए हम यूं लापता। आओ मिलो चले जाना कहाँ ना हो पता। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, आहा मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। बैठे बैठे ऐसे कैसे कोई रास्ता नया सा मिले, तू भी चले मैं भी चलूं, होंगे कम ये तभी फासले। आओ तेरा मेरा ना हो किसी से वास्ता। जो चलने लगे हैं ये रास्ते, आहा मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। कि 7 o'clock हो रहे हैं और आ गई है वो खूबसूरत घड़ी जिसके लिए हम सब लोग इंतज़ार कर रहे थे। सब लोग वेन्यू में जाने की तैयारियां कर रहे हैं, बर्थडे गर्ल भी अपने कज़न्स के साथ में तैयारियां कर रही हैं, सभी रिलेटिव्स भी आ चुके हैं। इस बार की वेकेशंस और ये इसका बर्थडे बहुत अच्छा, मतलब इट मीन्स हमारे लिए बहुत मेमोरेबल होने वाला है क्योंकि सब लोग हैं साथ में। और देखिए ये है बर्थडे वेन्यू जिसमें इसका बर्थडे सेलिब्रेट होगा। और ये वेकेशन इसलिए मैं कह रही हूँ खास होंगी, बर्थडे इसलिए कह रही हूँ खास होगा क्योंकि हमारे साथ साथ है आप लोगों की प्रेजेंस। यस, आप लोग भी रहिए हमारे साथ में और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ बर्थडे में इसका सेलिब्रेशन। Yeah.
नानी नाना दादी सब आ जाओ, सब एक उसके बाद हम जाएंगे एक बार माथे पे बाजू बेटा, ये YouTube सेंसेशन बल्कि आप लोग ब्लाउज को आप लोग ब्लाउज का गोल गोल चक्कर लेके मैंने दुनिया को मारा था।
लिलीपुट मेरे पीछे किसी ने रिपीट किया तो साला मैंने तेरे मुंह पे मारा मुक्का आयाशी के मन में से खुद को मोड़ना जानना कंबल पे बचा ये शर्म का ओढ़ना जानना जिद पकड़ के खड़ा है कंबख्त छोड़ना जानना बदतमीज दिल माने ना बदतमीज दिल